वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है संडे और काफी दिनों से हम लोगों ने ऐसा प्लान करके रखा था कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तो बेसिकली हमने सोचा था विक्की के बर्थडे पे करेंगे, बट विक्की के बर्थडे पे हो नहीं पाया। एंड देन उसके बाद फिर वो टलता गया। तो कल फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे पहले से प्री प्लान करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाते हैं कि हो नहीं पा रहा था। एंड देन फिर हम लोगों ने कल रात में डिसाइड किया कि आज सुबह पूजा करेंगे ही करेंगे। तो अभी पूजा कर रही हूँ मैं। अभी एज यू ऑल नो कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, सामान नहीं है, तो हवन की जो सामग्री होती है वो तो मुझे मिला ही नहीं है। आज सुबह हम लोग निकले थे पतंजलि स्टोर पे सामान लेने के लिए, क्योंकि हम लोग काढ़ा वगैरह पीते हैं, प्रेफर करते हैं कि इन सब चीज़ों से बेटर कर पाए। तो काढ़ा का सामान जो है वो ख़त्म हो गया था, तो वो लेने के लिए हम लोग पतंजलि स्टोर गए। वहाँ पर मैंने पूछा उनसे कि हवन सामग्री है क्या, तो उन्होंने बोला कि ख़त्म हो गई है, थी उनके पास, बट वो नौ दुर्गे आए थे तो ख़त्म हो गई थी और अभी सामान आ जा नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ कंडे दे दिए हैं। तो अब मैं बिना हवन सामग्री के ही कथा करूंगी एंड कथा करने के बाद नॉर्मली प्रसाद चढ़ा दूंगी। तो प्रसाद में मैंने सिर्फ बनाया है ये जो पंजीरी होती है वो, और साथ में चरणामृत बनाया है। तो मैं तो इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं। मैं अभी एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन पंडित जी ने, कोई एक पंडित जी थे जिन्होंने वीडियो बनाया था, तो उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास सामान नहीं है, कम सामान में भी आप कैसे पूजा कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो मुझे और वो मोटिवेशन मिल गया कि हाँ चलो करते हैं ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, माला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो सत्यनारायण भगवान की पूजा में स्पेशली लगती हैं, तो वो सब नहीं है मेरे पास। तो बट ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारा मोटिवेशन दे दिया कि अगर नहीं भी हो तो आप ऐसे ऐसे करके ये कर सकते हैं, आपका मन होना चाहिए करने का। सो दैट्स इट। और मैंने कोई सूट वूट नहीं पहना है, मैंने सिर्फ येलो कलर का टी शर्ट पहना है और उसके नीचे मैं प्लाजो पहनी हूँ। मैंने अवॉइड किया है कि ब्लैक कलर ना पहनूँ, और मैंने ऐसे कर लिया, जब मैं पूजा करूँगी तो आई विल कवर माई हेड विद दुपट्टा और विद स्कार्फ ऐसा, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे। और हम लोग ऐसे करते हैं हर कभी, जैसे 4-5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में एक बार ऐसे पूजा कर लेते हैं घर पे। थोड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो जाता है, काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर, तो इसलिए जनरली एक बार अभी करते हैं और एक बार उधर तरफ करते हैं पीछे के मंथ में, जैसे सितंबर अक्टूबर के टाइम पे कर लेते हैं। तो पंचामृत बनाने के लिए, या कुछ लोग इसको चरणामृत भी बोलते हैं, बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने दूध, दही, थोड़ा सा हनी लिया है, उसके बाद गंगा जल लिया है और थोड़ा सा घी लिया है। इन 5ों को मिला करके पंचामृत बनता है, 5 चीज़ों से बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रसाद बना रही हूँ सत्यनारायण भगवान का, जो ये मेन प्रसाद होता है। तो यहाँ पर आटा, शक्कर और घी से मिला के बनता है। पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है और खाना बन रहा है। हम लोगों ने फास्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ कथा करी है और हमने थोड़ा सा छोटा सा एक हवन टाइप का कर लिया था थोड़े से कंडों के थ्रू, एंड दैट्स इट। और अभी खाना बन रहा है, तो खाने में विक्की आज कुछ नया चीज़ ट्राई करने वाला है। नया नहीं, वो पहले भी बना चुका है, बट आज फिर से वो बनाने वाला है और काफ़ी दिनों के बाद बना रहा है उसमें से जो एक और चीज़ है वो, तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो या स्टे ट्यून्ड। नूडल्स में तो अभी बन रहे हैं नूडल्स। तो बहुत डेप्थ, इन डेप्थ रेसिपी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि डाल चुके हैं ना एक बार, हम लोग शो कर चुके हैं। मंचूरियन जब बनाएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली। सो आई जस्ट रिसीव्ड अ पैकेज बाय मामा अर्थ, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वाला पोस्ट नहीं है, जस्ट उन्होंने अपने जितने भी जो लोग उनसे काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हैं, उन लोगों को बहुत ही थॉटफुल चीज़ दी है। तो काफ़ी सारे मेरे पास सैनिटाइजर्स आ गए हैं, लेट मी शो यू। सो दीज ऑल आर सैनिटाइजर्स, और आई थिंक, मुझे नहीं पता कितने हैं ये, पर इनको अभी जस्ट मैंने वॉश करके प्रॉपरली इसको वॉश किया है, यहाँ पर रखा है सूखने के लिए। तो मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे सैनिटाइजर्स हैं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मेरे सोसाइटी में वॉचमैन हैं, ऑब्वियसली वो लोग अफोर्ड कर पाते होंगे, नहीं कर पाते होंगे, तो मैं उन लोगों को ये सैनिटाइजर जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू मामा अर्थ फॉर सेंडिंग मी दिस रियली थॉटफुल थिंग। तो यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मंचूरियन ग्रेवी, और उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा सोया सॉस, उसके बाद रेड चिली सॉस, साथ ही साथ शेज़वान की चटनी, और थोड़ा सा मैंने लिया है केचप सॉस जो होता है वो, और सब कुछ मैंने एक एक स्पून लिया है। और केचप सॉस में थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, बिकॉज़ हम लोगों को बहुत तीखा नहीं पसंद है, हम बिल्कुल मीडियम खाते हैं, ना ज़्यादा तीखा होना चाहिए ना ज़्यादा मीठा होना चाहिए, वैसा मीडियम वाला। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाला है, यहाँ पर मुझे लगेंगे अनियंस,
उसके बाद ये है स्प्रिंग अनियन, ये है थोड़ा सा कैरेट और ये बिल्कुल कलर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। देन शिमला मिर्ची एंड उसके बाद गार्लिक और ग्रीन चिलीज़। और उसके बाद हमने जो ये सॉस बना के रेडी कर लिया था वो मैंने रख लिया है। यहाँ पर एक और बाउल में मैंने कॉर्नफ्लावर एक स्पून लिया है और उसमें पानी ऐड कर लिया है। ये सब हमको लगेगा तो हम सब सारी चीज़ें मैंने प्री प्रिपेयर करके रख ली है। यहाँ पर मैंने वोक लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म कर दिया है। सबसे पहले मैं डालूंगी गार्लिक और विद इन उसके तुरंत गार्लिक जैसी हो जाएगा उसके 2 सेकेंड बाद मैं ग्रीन चिलीज डाल दूंगी और इनको हार्डली 5 सेकेंड या 10 सेकेंड पकने के बाद मैं यहाँ पर सारी जो वेजीज है वो डालना स्टार्ट करूंगी। आपको वेजिटेबल ज़्यादा पकाना नहीं होता है चाइनीज में, थोड़ी सी रॉ आपके मुंह में फ्लेवर आपने नोटिस किया होगा कि आता है, तो इसलिए हमको यहाँ पर बिल्कुल पकाना नहीं होता है। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स जो है वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी और इसको ऐड करने के बाद हार्डली 1 मिनट मैं इनको पकाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने सॉस रेडी किया था वो यहाँ पर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी एंड हार्डली 15 सेकेंड मैं इसको चलाऊँगी। अच्छा तेज़ चलाना है जिस तरह से मैं चला रही हूँ यहाँ पर, और ये फुल आपको फ्लेम में करना है ये पूरा काम ताकि ये जले ना, इसलिए आपको ये चलाते रहना है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी वाटर, तो जितना आपको थिक चाहिए, जितना आपको लिक्विडी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाटर ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें बॉयल आने दूंगी एक, और जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने जो कॉर्नफ्लावर का जो पानी था वो यहाँ पर ऐड कर लिया, मतलब इसमें कॉर्नफ्लावर भी मिक्स्ड है। इसका कलर हल्का सा लाइटन अप हो जाएगा एंड थोड़ा सा सैटिनी फिनिश आ जाएगी, और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक आध बॉईल आने दीजिए और आपकी जो ग्रेवी है वो बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितना परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा लिक्विडी है, और इसको मैंने एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आते हैं जो मंचूरियन बॉल्स होते हैं उसको बनाने के लिए। तो प्रॉब्लम इसमें ये आ गई थी कि हम लोगों ने यहाँ पर जो कैबेज यूज़ किया है, बिकॉज अभी हम सारी वेजिटेबल्स बॉईल करके यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने कैबेज को बॉईल करा था और क्योंकि वो कच्चा नहीं था और बॉइल्ड था तो उसने यहाँ पर पानी छोड़ दिया था। अगेन सेम प्रोसेस जो कोफ्ते में हमारे साथ हुआ था वो यहाँ पर भी हमारे साथ धोखा हो गया अगेन। तो अब हमने दोबारा फिर से हमने क्या किया, हमने जैसे तैसे इसमें बॉल्स बनाए, ठीक है। इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, देन स्प्रिंग अनियंस हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाया और हल्का सा मैदा ऐड किया है, मैं ज़्यादा ये सब ऐड नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर मैंने जैसे भी करके बॉल्स बनाई है उसको फिर मैंने अगेन फ्रीज़र में रख दिया था, डीप फ्रीज करा एंड आधे घंटे बाद उसको हम लोगों ने डीप फ्राई करना स्टार्ट किया, तो वो बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो गए थे। तो यहाँ पर अगेन ऐसी ट्रिक है, अदरवाइज अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रॉ वेजिटेबल्स मत यूज़ करिएगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पर तो जब हमारी बॉल्स रेडी हो गई थी तो उन सबको मैंने ग्रेवी में मिक्स कर दिया है एंड इतनी हमको बनानी थी तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है। एंड ऊपर से यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियंस ऐड कर दिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर एंड टेक्सचर हो गया था। और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, ये है हम लोगों की नूडल्स जिसका मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये विक्की बहुत टेस्टी बनाता है और ये है मंचूरियंस जो हमने बनाए हैं एंड ये बहुत ही टेस्टी थे, दोनों बहुत टेस्टी थे। अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे टैग ज़रूर करिएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और आज मैं नॉर्मल लंच बनाने वाली हूँ, लाइक पराठा या तो रोटी। मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी, विक्की के लिए पराठे बनाने वाली हूँ एंड साथ में आज बनाने वाली हूँ शिमला मिर्ची आलू और दाल नहीं बनाएंगे क्योंकि सब्जी बनाना है तो दाल नहीं बनाते, दाल बनाते हैं तो सब्जी नहीं बनाते। बहुत कम ऐसा डे होता है कि हम पूरा प्रॉपर दाल सब्जी रोटी ये बनाते हैं, दाल सब्जी रोटी रायता वैसा, अदरवाइज नहीं बनाते हैं, कुछ एक चीज़ स्किप कर देते हैं। तो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अभी आपको मेरे ब्लॉग्स में कुकिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज यही कर रही हूँ मैं, और अगर मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं बैठ करके एडिटिंग कर रही हूँ। अगर मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ तो यहाँ खड़े होकर के कुकिंग कर रही हूँ। दिस इज माई शेड्यूल दीज डेज। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू एंड शिमला मिर्ची की सब्ज़ी, इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा, हाईली रेकमेंडेड, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगती है एंड बहुत इजी एंड बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, जीरा ले लिया है, उसमें मैंने अनियंस डाल दिए हैं। जब अनियंस का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, जैसे कि ये पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर आपको जो पोटैटोज़ हैं वो ऐड कर देने हैं। जिस स्टाइल में आपको कट करना है उस स्टाइल में आप कट करिए आराम से। अब इसको मैंने कवर कर दिया है लिड से। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जब थोड़ा सा इसको कुक होने के बाद, मतलब 5 मिनट्स मैंने इसको प्रॉपरली कुक होने दिया है,
मसालों में हम यहाँ पर ऐड करेंगे धना पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद लाल मिर्च और थोड़ा सा लास्ट में गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे टमाटो। अगर आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो टमाटो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप टमाटो ज़रूर ऐड करें, बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा। अब इसमें आप हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए आप चाहें तो, ताकि टमाटो जो है वो अच्छे से कुक हो जाएँ और आपके जो आलू हैं वो कच्चे ना रहें, वो भी अच्छे से कुक हो जाएँ। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टील के पैन में बना रही हूँ तो थोड़ा सा सब्ज़ी जो है वो चिपकता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है शिमला मिर्ची और इसको अब मैं कुक होने दूंगी और हमारी जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और ये बहुत यमी और बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। Hey guys, so my cooking is done और मैंने बनाए हैं आज पराठे। तो ये मैंने प्रॉपर बटर वाले पराठे नहीं होते, मैंने वो बनाए हैं। लॉकडाउन में तो बहुत अनहेल्दी खा रहे, बट हाँ बाहर का नहीं खा रहे, जो भी खा रहे हैं घर का खा रहे हैं। और आज मैंने घी में नहीं बनाया, मैं जनरली घर का जो घी है उसमें बनाती हूँ। आज मेरा बटर खाने का मन था, कुछ बटर वाली चीज़ें, समटाइम्स होता है ना बटर बटर खाने का मन करता है, कभी कभी चीज़ खाने का मन करता है, तो वैसा आज मेरा बटर वाला खाने का मन था। तो सिर्फ सब्जी बनाई है और उसके साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और मतलब कुछ और लिक्विड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ में अचार ले लेंगे हम लोग, तो यही हम लोगों का। और आज मैं नहाने नहीं वाली हूँ अभी सुबह, मुझे शाम को नहाना है क्योंकि अभी लेट हो गया है, 11:30 बज चुका है ऑलरेडी, और इतने बजे हमारे यहाँ जो पानी है ना ऊपर से बहुत गर्म आने लगता है। तो अगर आपने 11 बजे से पहले नहा लिया तो ठीक है, 11:30 से पहले नहा लिया तो ठीक है, अदरवाइज उबलता हुआ उखलता हुआ पानी आता है लिटरली। तो उस क्योंकि मैं आज हेयर वॉश करने वाली हूँ और मुझे अपने बालों में कुछ कुछ लगाना भी है, मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा ड्राई से हो रहे हैं, तो मुझे ना आज कुछ कुछ लगाना है अपने बालों में और थोड़ा सा स्पा टाइप का करना है, तो वो मैं 4 बजे से करना चालू करूँगी, तो मुझे 6 बजे तक मेरा हो जाएगा एंड 6:00 पे फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो पूजा वगैरह ऐसा है कि मेरे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करती हूँ, विक्की मेजर पूजा हमारे विक्की करता है, मैं बहुत कम डेज करती हूँ, मतलब मैं जनरली सिर्फ हाथ जोड़ के अगरबत्ती लगा देती हूँ, बाकी जो प्रॉपर पूजा होती है हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वो विक्की करता है। तो आज विक्की जल्दी भी उठ गया था और उससे जल्दी नहा लिया था, तो पूजा वगैरह सब उसने कर दिया है, कोई ना कोई एक इंसान पूजा कर देता है ताकि भगवान ऐसे ही ना बैठे। अभी मैं थोड़े से बर्तन है तो उन बर्तन को क्लीन कर रही हूँ, एंड आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।